जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह गोंडा पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में महेंद्र सिंह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने मंत्री से की मुलाकात। कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति मंत्री की प्रेस वार्ता। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना योगी सरकार ने की पूरी। 1971-72 से लंबित परियोजना अब हो रही पूरी। 5 बड़ी नदियों को जोड़ रही यह परियोजना। 9 जिले के 30 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए गोंडा से संजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जी मंत्री जी, बताएं कैसा कार्यक्रम है और कहां? सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत की सिंचाई विभाग से संबंधित सभी परियोजनाओं की एक समीक्षा किया और 99 परियोजनाएं ऐसी निकली जो बरसों से लंबित थी और उसी में से भारत की एक सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना जिसका शुभारंभ 71 और 72 में हुआ था, तब से लेकर के अब तक बहुत सारी सरकारें आई और चली गई लेकिन परियोजना का कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सका। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसकी समीक्षा किया और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करके एक बार इस परियोजना के लिए उन्होंने विशेष बैठक किया और करके 9,802 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च करने के दृश्य से सहमति बनी और उसके बाद जनवरी 2018 से युद्ध स्तर पर इस पर कार्य प्रारंभ हुआ और मुझको बताते हुए आज खुशी हो रही है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर परियोजना को योगी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से पूर्ण किया है। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित होगी और कुल लगभग 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। 9 जिले की यह परियोजना है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर। 9 जिले की परियोजना 5 बड़ी नदियों को कनेक्ट कर रहा है, घाघरा, घाघरा से सरयू, सरयू से राप्ती, राप्ती से बाणगंगा, बाणगंगा से रोहिंद, लखीमपुर से शुरू होकर के और हमारे महाराजगंज तक ये परियोजना जाती है। 350 किलोमीटर बड़ी नहर और 6,600 किलोमीटर इसके ब्रांच नहरें बन रही हैं, बन के पूरी हुई हैं, जिसके माध्यम से किसानों को, पूरे इन 9 जिलों के किसानों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा और उसी परियोजना को जनता जनार्दन को, किसानों को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 11 तारीख को देवीपाटन मंडल में आ रहे हैं। बलरामपुर और श्रावस्ती के बीच में हरिहरगंज में एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनता जनार्दन को इस परियोजना को समर्पित करेंगे।